This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Frespresso, Coffee Shop, Tafia Kitchen, Supermarket and by Madina Chicken World. मैं हूं फैज़ अब्बास और आप लोग देख रहे हैं गुहैश। फिलहाल हम लोग आज अंजुमन एकेडमी में हैं, जहां पर मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ खाजा एजुकेशन सोसाइटी अली अल हुसैनी साहब मेरे साथ हैं। तो फिलहाल यहां पर मसीहा कैसे कैसे की जो किताब है, वो आज यहां पर अली अल हुसैनी साहब ने इस किताब की इफ्तिताह की है। तो मैं अली अल हुसैनी साहब से इस मसीहा कैसे कैसे इस किताब के बारे में कुछ दो अल्फाज जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर रुकनुद्दीन नासिब कुरैशी साहब को उनकी किताब मसीहा कैसे कैसे के लिए। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, तारुफाना अंदाज में 36 डॉक्टर्स को लिस्ट किया है और उनके बारे में अच्छी काफ़ी रिसर्च की है और बहुत अच्छी ज़बान में उनके बारे में इंफॉर्मेशन को छापा है। नहीं, उर्दू के लिए आखिर में मेरा एक शेर जनाब अनवर मसूद साहब का जो था, चूँकि उर्दू अंग्रेज़ी हर जगह यूनिवर्सल लैंग्वेज होने की वजह से भारी होती है, तो अनवर मसूद साहब का जो शेर मुझे याद आया कि उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, बस भी कर दो रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो मेरे साथ वहाब अनबलीब साहब मेरे साथ हैं, इस इफ्तिताह में आप भी शामिल थे, तो मैं इनसे जानता हूँ कि भाई मसीहा कैसे कैसे के बारे में आप क्या कहेंगे। मसीहा कैसे कैसे एक ऐसे मुसन्निफ़ की किताब है जो तबीब भी है और अदीब भी। इससे पहले उनकी एक किताब जान है तो जहाँ है 2009 में शाये हुई थी, तो उसमें भी तिब्बी मजामीन, तिब्बी इमराज जो होते हैं उसका कैसा इलाज होता है, उसको किस तरह से उसका तदारुक कर सकते हैं, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे मजामीन लिखे थे। तो जैसे कि मेरे साथ वहीद अंजुम साहब हैं जो कि बड़े ही मजाया शायर हैं, आप तो आपकी तरफ से क्या लगता है आपको इस किताब के बारे में? कि ये किताब डॉक्टरों की एक जो है डायरेक्टरी है जी। तो जैसे कि शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को जी, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ। इंसान को जो पैदा किया है खिदमत खल्क के लिए पैदा किया है, खिदमत खल्क का दूसरा नाम इलाज है, मसीहाई है। तो ये पेशा हमदर्दाना पेशा है, मोहब्बत का पेशा है, मोहब्बत और हमदर्दी से आज बीमारी ख़त्म हो जाती है दवा के बगैर। तो ये इस मसीहाई के पेशे को उन्होंने इसलिए किताब का नाम भी मसीहा कैसे कैसे रखा है। तो 36 डॉक्टर में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये गुलबर्गा की जंग गंगा जमनी तहजीब है, इसमें तहजीब भी सिमट आई। सबसे बड़ी जो है तहजीब है, एक तरफ बसवेश्वर हैं, एक तरफ बंदा नवाज, एक तरफ बसवेश्वर हैं, एक तरफ बंदा नवाज, बज रहा है जिंदगानी का यहाँ सदियों से सास, किस कदर मुकद्दस है गुलबर्गा की ये सरजमी, इस ज़मीन पे होता है पूजा और नमाज। सो मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मकसूद साहब मेरे साथ है। नहीं, इससे मेरा पहला ये ओपिनियन है कि डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब जो डॉक्टर्स अपने बिरादरी के डॉक्टर्स के लिए अब तक कई आर्टिकल्स लिखे हैं, कई डॉक्टर्स के बारे में लिखे हैं, और ये पहली किताब है जो पूरे डॉक्टर्स को मिला के एक किताब लिखे हैं। ये बहुत बड़ी जो एक कामयाबी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की है, और ऐसा मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के बारे में डॉक्टर्स खुद लिखना एक बड़ी कामयाबी। ये मसीहा कैसे कैसे डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब नासिब कुरैशी की ये दूसरी किताब है, और इस तरह के मौजूदात पर ऐसे सब्जेक्ट्स पे बहुत कम लोग ध्यान दिए हैं, और हमारे यहाँ ऐसी किताबें नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे साउथ इंडिया में इस तरह की जो डॉक्टर्स पर उनके कवायफ, उनके डिटेल्स के बारे में और उनकी शख्सियत पर, उनके खिदमात पर डॉक्टर साहब ने बड़े ही सलीस अंदाज में जो किसी पे खाका जो लिखा जाता है या किसी मजमून लिखा जाता है और उसकी ज़ुबान जिस तरह की होनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने उसको मलहूज़ ख़ातिर रखकर वैसे उन्होंने मजामीन लिखे हैं,
और ये एक अपनी नौईयत की वाहिद और मुनफरिद डॉक्टर साहब की कोशिश है, और ये अपनी अपने आप में इस तरह की किताबें मंजर-ए-आम पढ़ना एक तारीख है उर्दू ज़बान और अदब में। मैं आने वाली नस्लों से, खुसूसन नौनिहालों से, नौजवानों से मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता रहा हूँ, इसलिए कि कौमों का मुस्तकबिल नौजवानों से और नौनिहालों से ही पहचाना जाता है और उनसे उनकी शनाख्त होती है। इस किताब को जो डॉक्टर साहब की कोशिश है, ये किताब को ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि इस किताब के वसीले से, इस किताब के ज़रिए से उर्दू ज़ुबान को सीखने की जो ख्वाहिश उनके अंदर होती है, उर्दू ज़ुबान को सीखना चाहिए। और हमारे पास ऐसे नायाब जो तहरीरें हैं, वो तहरीरों को पढ़ने से ना सिर्फ उनकी शख्सियत बनेगी बल्कि उनमें एक तरह का जो है जज्बा और ख़ुद एतमादी पैदा होगी। तो फ़िलहाल मेरे साथ द ऑथर, द राइटर ऑफ मसीहा कैसे कैसे के राइटर ऑथर मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब मेरे साथ हैं। तो फ़िलहाल मैं उनसे जानता हूं कि जो मसीहा कैसे कैसे हैं, जो इन्होंने किताब इसको शाया की है, किस मज़मून पर इन्होंने लिखा है और किन लोगों से इन्होंने मुतासिर होकर इस किताब को शाया किया है, मैं उन्हीं से जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब जो है तकरीबन गुलबर्गे के नामवर डॉक्टर्स के ताल्लुक़ से लिखी गई है, जिसमें जुमला 36 डॉक्टरों के तमाम अहवाल, उनके खिदमात को खिदमात पर रोशनी डाली गई है। और एक मिसाली डॉक्टर कैसा होना चाहिए, ये खिदमत खल्क का जो जज्बा है और जिसको एक इबादत का दर्जा दिया गया है, उस नज़रिए के तहत ही मैंने इन तमाम डॉक्टरों को एकजा किया है और प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है। इसमें बहुत से मेरे टीचर्स हैं, बहुत से मेरे सीनियर्स हैं, बहुत से मेरे जूनियर्स हैं जिनसे मैं पर्सनली अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इनका इन एंड आउट अच्छी तरह से वाकिफ़ है और किस तरह से ये लोग आज इस मंजिल पर हैं। इसमें तकरीबन तमाम लोग अपने पेशे से दयानतदारी बरतते हुए अपनी माहिराना सलाहियतों को दुखी इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मज़ामीन जो है तकरीबन ये डॉक्टर्स के ताल्लुक़ से ही हैं। ये गुलबर्गा के तिब्बी फलक के दरख्शां सितारे हैं और ये इनको जैसे डॉक्टर मसीहा ने मतलब ज़िंदगी देने वाला, नई ज़िंदगी देने वाला, तो ये डॉक्टरों के ताल्लुक से ही है। तो मैंने ये लफ्ज़ मुनासिब समझा कि ये मसीहा कैसे कैसे, इसका उन्वान इससे बेहतर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आने वाले नस्ल के लिए एक पैगाम है कि किस तरह से हम अपनी जद्दोजहद जारी करते हुए इंसानियत की और बीमारों की खिदमत कर सकते हैं। ये किताब उर्दू में लिखी गई है। ये बहुत से लोगों का ख्याल है कि बहुत से हजरात उर्दू से नावाकिफ़ हैं, तो इसका जो है अंग्रेज़ी में या कन्नड़ा में इसका तर्जमा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल करें। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं हमारे दूसरे साथियों से मदद लेकर उसको कन्नड़ा या इंग्लिश में भी शाया कराऊँ। कहाँ से खरीद सकते हैं ये? फिलहाल मेरे मकान पे है, कोई पब्लिशर इसके नहीं है, उसमें मकान का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। जो साहब इंटरेस्टेड हैं वो ख़रीद सकते हैं और मैं ये किताब को गुलबर्गी की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में डोनेट करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह गुलबर्गी के तमाम लाइब्रेरियों में ये किताब को पहुँचा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, इस किताब से अगर मुतासिर होना चाहते हैं तो डॉक्टर रुकनुद्दीन साहब के मकान पर ये किताब आपको अवेलेबल मिलेगी और बहुत जल्द लाइब्रेरियों में भी किताब आने वाली है। और मसीहा कैसे कैसे की जो किताब है, इसके अंदर 36 डॉक्टरों की ज़िंदगी है, यानी कि डॉक्टर्स कैसे हैं, डॉक्टर्स के साथ कैसा होता है, सारी चीज़ें इस किताब में शामिल है। तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस किताब को पढ़ें और हम भी इस किताब को पढ़ेंगे। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers in association with Mobile Masters, Fresh Presso, Coffee Shop, Tafia Kitchen, Supermarket and by Madina Chicken World.